वाह भाई क्या बात है। और यही बात है जी हाँ, रितेश पांडे भोजपुरी के स्टार सिंगर एक्टर हैं और उन्होंने इस रील को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। वैसे ये मेरी फेवरेट फिल्म है, आपको बता दूँ, बॉलीवुड की फिल्म नसीब का एक सीन है और जिस आवाज़ पर ये रील बना रहे हैं वो प्यारी सी आवाज़ नंबर वन एक्टर मिस्टर गोविंदा जी की है। नसीब फिल्म में कादर खान जी के साथ स्क्रीन शेयर करते हुए का ये डायलॉग है, मेरा पसंदीदा डायलॉग है और इस डायलॉग पर रितेश पांडे ने रील बनाई। इससे ये बात पता चलती है कि कहीं ना कहीं गोविंदा का ये जो सीन है, ये डायलॉग रितेश पांडे को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। दोस्तों, रितेश पांडे जितना बेहतरीन गाते हैं उतना ही बेहतरीन एक्टर हैं। बहुत सी फिल्मों की शूटिंग इस समय कर रहे हैं, एक से एक गाना भी बढ़कर ले आते हैं। कई गाने तो इनके रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं, लॉन्डिया लंदन से लाएंगे, हेलो कौन जैसे तमाम गाने हैं जो न केवल ट्रेंडिंग में गए बल्कि व्यूज़ के मामले में कई तरह के रिकॉर्ड भी तोड़े। खास बात यह है कि अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी अक्सर सक्रिय रहते हैं। एक वीडियो इसमें देखे, ये देखें, दिख रहा है ये आपको? जी हाँ, एक फिल्म के सेट का ये दृश्य है जहाँ पर रितेश पांडे यामिनी सिंह के साथ कुछ इस तरह से रोमांस करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस तरह की कई रील्स जो है ना, इन्होंने बना रखी। ये देखिए, यामिनी सिंह के साथ बड़ा ही प्यारा दिन, ये भी एक है रितेश पांडे जी का, बड़ा ही सहज अपनी अभिनेत्रियों को अपने साथ ये रखते हैं और जाने कितने सारे रील्स बनाते हैं। फिलहाल इस समय यामिनी सिंह के साथ फिल्म की शूटिंग इनकी चल रही है और रितेश पांडे यहीं पर। रितेश पांडे को लेकर कुछ कहना चाह रहे हों या चल रहा हो दिमाग में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बने रहें देसी भारत के साथ। नमस्कार।